हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोटेक। और आज हम बात कर रहे हैं फायरवॉल के बारे में। तो आपने देखा होगा विंडोज के अंदर प्री इंस्टॉल्ड आता है फायरवॉल, बट इतना ही नहीं, इतना ज्यादा पावरफुल होता है ये कि जो वेबसाइट्स आप यूज करते हैं वहां भी सर्वर के ऊपर फायरवॉल यूज होता है फॉर प्रोटेक्शन। नो क्यों इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इस पे बड़ी बड़ी कंपनीज, और इवन विंडोज के अंदर भी प्री इंस्टॉल्ड आता है और कुछ लोग सिर्फ फायरवॉल पे ही ट्रस्ट करते हैं और कोई एंटीवायरस भी नहीं डालते, तो क्यों होता है इतना पावरफुल, क्या यूज होते हैं, कैसे वर्क करता है, सब चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आएगी तो डिसलाइक कीजिए, और मेरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के सजेशन और डाउट के लिए हमेशा ओपन है ही। तो चलिए बात करते हैं फायरवॉल्स के बारे में। तो क्या होता है फायरवॉल? तो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज में या फिर सर्वर साइड पे यूज होते हैं टू फिल्टर डाटा। यानी कि जो भी आप, अगर मैं दोनों प्रोस्पेक्टिव से साथ के साथ लेके चल रहा हूं, तो अगर आप एज अ पर्सन फायरवॉल का यूज कर रहे हैं तो आपके कंप्यूटर पे जो भी डाटा आ रहा है फायरवॉल उसको फिल्टर कर रहा है, और वेब एप्लीकेशन की वेबसाइट्स जो भी रन हो रही हैं उनके सर्वर पर भी फायरवॉल यूज होता है टू फिल्टर द डाटा। नाउ कैसा डाटा आप फिल्टर कर सकते हैं फायरवॉल से? तो जो आप चाहते हैं वो आप फिल्टर कर सकते हैं। फायरवॉल आपको अलाउ करता है कि आप अपने सेट ऑफ रूल्स उसके अंदर लिखे, एंड उन रूल्स के बेसिस पे वो जो है आपका डाटा फिल्टर करेगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना कंप्यूटर चला रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इंटरनेट से एक्सेस हो, तो मैं अपने फायरवॉल के अंदर एक कमांड लिख सकता हूं या एक रूल लिख सकता हूं कि किसी को भी सिस्टम को मेरे सिस्टम से कनेक्ट होने की परमिशन मत देना। तो उससे क्या होगा, जब भी मैं इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करूंगा फायरवॉल बीच में आ जाएगा और मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देगा, मतलब इंटरनेट एक्सेस होगा ही नहीं बेशक मेरे पे वाईफाई लगा हो। सिमिलरली कोई वेबसाइट है उसके पास सर्वर्स रन हो रहे हैं, बैक ऑन द सर्वर उसका जो नेटवर्क है उस पर बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। अब मैं मान लीजिए कोशिश करता हूं कि मैं इंस्टेड ऑफ सर्वर जो नेटवर्क है, जो वेबसाइट का नेटवर्क है, उसके किसी एक कंप्यूटर को एक्सेस कर लूं, तब वहां पे मेरा इन प्ले आएगा फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल के अंदर सेट ऑफ रूल लिखा है कि सिर्फ सर्वर के इस पोर्ट को अगर कोई एक्सेस करे तो उसको एक्सेस करने देना, इसके अलावा अगर कुछ और एक्सेस करे तो एक्सेस मत देना। सर्वर वहां क्या करेगा, मेरी रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा और मेरे पास 404 एरर नॉट फाउंड एरर आ सकता है, या फिर उसके अलावा कुछ और भी एरर्स आ सकते हैं। तो मेनली ये काम होता है। नाउ फायरवॉल को आप अपने अगर विंडोज के अंदर चाहे तो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप उसके अंदर स्पेसिफिक आईपीज के लिए, स्पेसिफिक नेटवर्क्स के लिए या स्पेसिफिक पर्सन के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि इन सिस्टम से मेरा सिस्टम एक्सेस ना हो पाए या मेरे सिस्टम से उनका सिस्टम एक्सेस ना हो पाए। आप ऐसी हर चीज के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके अलावा आपके जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, आप हर एक एप्लीकेशन के लिए भी फायरवॉल के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स लिख सकते हैं कि कब आप चाहते हैं कि वो अलाउ हो या कब आप चाहते हैं कि वो अलाउ ना हो, सब सारी चीजें आप फायरवॉल के अंदर कॉन्फिगर कर सकते हैं। और इसीलिए ये इतना पावरफुल है, बिकॉज मैं जिनसे कनेक्ट होना चाहता हूँ फायरवॉल सिर्फ उनसे ही कनेक्ट होने देगा मेरे को, और जिनसे मैं नहीं चाहता ना ही वो लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और ना ही मैं उनसे कनेक्ट हो सकता हूँ। नाउ मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकते, तो इट इज बिकॉज ये टू वे कनेक्शन होता है। आप फायरवॉल में सेट कर सकते हैं कि आउटबाउंड यानी कि जो आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट जा रही है वो उस रिक्वेस्ट पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना है, या इनबाउंड आपके सिस्टम पर जो रिक्वेस्ट आ रही है आपको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। आप दोनों टाइप की रिक्वेस्ट को कॉन्फिगर कर सकते हैं एंड आपका सिस्टम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करेगा। तो इसलिए फायरवॉल आज की डेट में बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी है। तो मोटा मोटा यही था फायरवॉल के लिए जानने के लिए, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।